गाजा पट्टी पर केमिकल बम फायर किए जा रहे हैं? क्या गाजा पट्टी पर इसराइल ने फास्फोरस बम फोड़ दिया है? रिहायशी इलाकों के ऊपर ये चिंगारी और फिर सफेद धुआं धीरे धीरे इस इलाके पर चढ़ने लगा। तबाही बहुत ज्यादा हो रही है। गाजा में 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। मलबे से लगातार लाशें निकाली जा रही हैं। युद्ध की सबसे खतरनाक तस्वीर देखिए, क्योंकि अब युद्ध और तेज होगा। क्योंकि अब लेबनान बॉर्डर पर भी फास्फोरस बम से हमले की खबर आई है। 24 घंटों के दौरान इसराइल पर केमिकल वॉर शुरू करने का इल्जाम लगने लगा है। इसराइल ने इस आरोप को खारिज कर दिया है। फास्फोरस का तापमान 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होता है। जब इसका धमाका होता है तो इसके कण दूर तक फैलते हैं। ये शरीर में पहुंचने या इसके संपर्क में आने वाले इंसान की जान भी जा सकती है। इसका धुआं इंसान का दम घोट लेता है। ये इंसान की खाल को बुरी तरह डैमेज कर देता है और हड्डियां तक गला सकता है। इसलिए गाजा से लेकर लेबनान बॉर्डर तक जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत डरावनी हैं। ये कोई पहला मौका नहीं जब इसराइल पर इस तरह का आरोप लगा है। इससे पहले वर्ष 2008 और 2009 में भी इसराइल पर गाजा पट्टी पर सफेद फास्फोरस बरसाने का आरोप लगा था। गाजा में जितनी जान गई है उनमें आधे तो बच्चे और महिलाएं हैं। इससे पहले कि वो अपने घर से बाहर निकलते, इसराइल के सैकड़ों किलो भारी बम गिरने लगे और फिर जमीन पर कुछ नहीं बचा। ये वो बच्चे हैं जिनके माँ बाप इसराइल की बमबारी में खत्म हो चुके हैं। ये किस्मत वाले थे कि बच गए। गाजा के ज्यादातर अस्पतालों में झांकेंगे तो ऐसे ही खून से लथपथ बच्चे नजर आएंगे। There's no easy answer. This is not a moment of, you know, carpet bombing. You know, you hear people say, let's bomb, burn Gaza to the ground. गाजा के इस एम्बुलेंस ड्राइवर को देखिए। इस शख्स ने अपनी एम्बुलेंस से बहुत से लोगों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ज्यादातर की जान जा चुकी थी। लाशों को ढोते ढोते ये बुरी तरह थक चुका है। इसराइल की बमबारी में इस व्यक्ति ने अपने परिवार के 8 लोगों को खो दिया, सिर्फ खुद जिंदा बचा है। ومرتي حامل وانا الناجي لوحدي غازہ کی تکلیف دیکھ کر پورا پشم ایشیا غصے سے ابل رہا ہے۔ یہ جارڈن کی راجدھانی عمان ہے۔ غازہ سے آ رہی تصویروں کو دیکھ کر یہاں لاکھوں لوگوں نے اسرائیل کے خلاف پردرشن کیا۔ یہ غصہ پورے پشم ایشیا میں پھیل رہا ہے اور اب وہ اپنی سرکاروں سے غازہ میں پھنسے لوگوں کی مدد کی مانگ کرنے لگے ہیں۔ أن الإجرام الصهيوني الذي يرتكب الآن من قبل إسرائيل في غزة يعكس همجية الكيان الصهيوني الذي يجري الآن كما يسمونه بمثابة سياسة الأرض المحروقة. पश्चिम एशिया में गाजा इसराइल का फ्रंट पूरी तरह एक्टिव है। इस फ्रंट पर इसराइल की जीत पक्की है, क्योंकि उसकी ताकत के आगे हमास टिक नहीं पाएगा। आखिर टैंक और तोपों के खिलाफ राइफल के साथ लड़ने वाला हमास कब तक बचेगा? इसी बात ने इसराइल को जीत का भरोसा दिला दिया है, लेकिन हमास खामोश नहीं बैठा है। طبعا دول الطوق اولا
الأردن، سوريا، لبنان، مصر، كل أبنائها وبناتها رسميا وشعبيا. واجبكم أكبر لأنكم الأقرب إلى. غازہ میں تباہی کا سچ یہ بھی ہے کہ غازہ میں بجلی، کھانا، پانی سب کی سپلائی پہلے ہی بند کر دی گئی ہے. اسرائیل اب تک 2,000 ٹن بم غازہ پر گرا چکا ہے، لیکن ابھی تک حماس کو توڑنے میں وہ ناکام رہا ہے. اس بیچ اسرائیل کو روکنے کے لیے دو نئے فرنٹ کھل گئے ہیں. پہلا فرنٹ ہے لبنان اور دوسرا فرنٹ ہے سیریا. دونوں مورچوں پر گولہ بارود دونوں طرف سے برس چکا ہے. सवाल है कि क्या इसराइल तीन मोर्चों पर एक साथ लड़ पाएगा. वो ऐसा 50 वर्ष पहले कर चुका है, लेकिन अब वक्त दूसरा है. इस बीच हिजबुल्ला ने एक वीडियो जारी करके बता दिया है कि इसराइल ने उसको हल्के में लिया तो वो 2006 के बाद भी दूसरी बार हिजबुल्ला से हार जाएगा. हिजबुल्ला के इस वीडियो को देखिए जिसमें लेबनान बॉर्डर के करीब खड़ी इसराइल की बख्तरबंद गाड़ी को एंटी टैंक मिसाइल से टारगेट किया गया. धमाका ऐसा होता है कि बख्तरबंद गाड़ी में बैठा एक भी फौजी बचकर बाहर नहीं निकल पाता. Don't rule out the possibility they'll be on all out war, although Hezbollah was counting on divisions in Israel, and I think they've seen what they were thinking about Israel in terms of divisions is no longer the case. So that may also temper their interest in all out war. उत्तरी इसराइल की तरफ इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव बना हुआ है. लेबनान की तरफ से हिजबुल्ला और सीरिया की तरफ से भी अगर चढ़ाई होती है तो इसराइल पर दबाव बढ़ने लगेगा. यहाँ रॉकेट से हमले हो रहे हैं. हिजबुल्ला के 5 लड़ाकों की मौत के बाद लेबनान में भी गुस्सा बहुत ज्यादा है. जबकि सीरिया की तरफ से हमला हुआ तो इसराइल के लिए गोलान की पहाड़ियों को बचाना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए फॉस्फोरस बम से हमले की बात आ रही है क्योंकि लेबनान के आसमान में जो चिंगारी देखी गई उसके बाद नीचे पहाड़ियों में आग लगी हुई भी नजर आई. यानी केमिकल जमीन पर गिरा तो हर तरफ आग लग गई. ऐसा ही हश्र गाजा के बाद लेबनान बॉर्डर का बताया जा रहा है. نحن امام الحقيقه وهنا اقول بكل وضوح وبلا لجلجه ولا تردد هذه لحظه ان تنخرط الامه في المعركه ان نقاتل معهم. غازہ سے تباہی کی تصویریں لگاتار آ رہی ہیں. اسرائیل پر حملے کے بعد جو جوابی کارروائی ہوئی ہے اس میں عام لوگوں کی جان جا رہی ہے. ملبوں سے بچوں کو نکالنے کے بعد ان کو ایمبولنس کے ذریعے جلدی سے جلدی اسپتال پہنچایا جاتا ہے. اور جو نہیں نکل پاتے ان کا جنازہ نکلتا ہے. ان میں بھی بہت قسمت والے ہوتے ہیں جن کے آخری سفر میں بھیڑ شامل ہوتی ہے. غازہ میں بہت سی جگہ تو ایسی ہیں جہاں پورے کے پورے پریوار ختم ہو چکے ہیں. ان پر رونے والا بھی کوئی نہیں بچا. لیکن یہ بات طے ہے کہ حماس کی لیڈرشپ اب بھی قائم ہے. اسرائیل کی بمباری ان کو خروج تک نہیں پہنچا پائی ہے.